पार्ट फोर में हम देख चुके हैं, मैसर को गाय का छूट पता चल गया था, आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट फाइव से पहले पार्ट फोर भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट फाइव में हम देखते हैं, मैसर को पता चल गया था कि काय है तो बहुत रिच, पर उसे कभी भी पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, इसलिए वो उसका नंबर ले लेते हैं ताकि जब भी तुम्हें स्कूल से भागना हो मुझे बता कर जाना। लिंजे जा रही थी तो लूजी उसे अपने रूम में सोने को कहता है, पर उसे नींद आ रही थी तो जुनसिंग उसे ले जाता है। स्कूल में सब अपने अपने आइडल बता रहे थे, यिमन का आइडल बॉयज बैंड है, लिंजी का आइडल नरूटो, और जुनसिंग के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तभी देखते हैं पैसे उड़ रहे हैं तो लिंजी पकड़ने लगती है, इनफैक्ट यिमन के सारे कमाए हुए पैसे गिर रहे थे तो सब स्टूडेंट्स पैसे वापस कर जाते हैं। लाइव कॉन्सर्ट का टिकट बुक करने के लिए यिमन जुनसिंग की हेल्प लेती है क्योंकि वो कंप्यूटर में माहिर है, पर उसने 10th क्लास में ही प्रोग्रामिंग ग्रुप छोड़ दिया था। लिंजी उससे रीजन पूछती है, वो कहता है बहुत लंबी कहानी है। ऑफर चल रहा था खाने के साथ मिस्टीरियस बॉक्स मिलेगा जिसमें क्यूटू आइज हैं, तो लिंजी को वही एक क्यूटू आई लेना था, इसलिए जुनसिंग को बहुत सारा खाना बाय करना पड़ता है और उन्हें वो टॉय मिल जाता है तो बड़ा खुश होती है। लूची भी वांगपेंग के साथ डेट पर आया था और लिंजी के टॉयस मांगता है, वो देने वाली थी पर जुनसिंग कहता है ये लिंजी को पसंद है तो वह एक उसे दे देती है। जुनसिंग को पता चल जाता है कि जिस लाइव कॉन्सर्ट का यिमिन ने टिकट बाय किया है वो फेक है यानी स्कैम, पर उनकी यिमिन को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कहीं उसका दिल ना टूट जाए, तो पहले उसे इनडायरेक्टली बताते हैं, वो नहीं समझ पाती तो एंग उसे सच बता देता है, टिकट फेक है, पर वो विश्वास नहीं करती। क्लास में लाइट चली गई थी तो सब बच्चे खुश होते हैं। एंग लिंजी से सीट एक्सचेंज कर लेता है। जुनसिंग और लिंजी कपड़ा ढक के गाना सुनने लगते हैं। फिर वो उसे बताती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जुनसिंग प्रोग्रामिंग करना चाहता था पर डैड उसे बिजनेस स्कूल में जाने को बोल रहे थे। मैथ सर को देख सब डर जाते हैं, वो यिमिन की म्यूजिक बुक छीन लेते हैं। उन दोनों को देख सब हैरान थे पर वो तो पढ़ाई कर रहे थे। सरवास लाइक देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, पर उन्हें क्या पता कि सच क्या है। यिमिन का टिकट बुक में था पर सर बुक देने से मना कर देते हैं, अगर तुम्हारे मैथ्स में 80 मार्क्स आए तभी मिलेगी, इसलिए यिमिन मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर देती है। सबको नींद आ रही थी और कहते हैं एक दिन पढ़ने से कौन सा मार्क्स आ जाएंगे, कोई नहीं अगले साल लाइव कॉन्सर्ट में चले जाना। यिमिन रोने लगती है कि तुम सब अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो तो मेरा ड्रीम मायने नहीं रखता क्या। फिर वो सब यिमिन का साथ देने का डिसाइड करते हैं, फिर चाहे टिकट फेक ही क्यों ना हो। काफी मेहनत करके यिमिन के 80 प्लस आ जाते हैं तो वो खुश होती है कि कॉन्सर्ट में जाएगी, इसलिए वो सब यिमिन के लिए बैंड की प्रैक्टिस कर रहे थे, पर उन्हें बैंड बजाना नहीं आता तो काय कहता है मैं हेल्प कर सकता हूँ और अपने बैंड वाले फ्रेंड्स को ले आता है, पर वो इतनी जल्दी सीख नहीं पाएंगे। यिमिन खुश होकर कॉन्सर्ट पे जाती है, तब उसे पता चलता है कि कॉन्सर्ट फेक है यानी स्कैम हो गया, तो बहुत रोती है, पर देखती है उसके फ्रेंड्स उसके लिए लाइव कॉन्सर्ट कर रहे हैं तो बहुत खुश होती है। बट एंग के पैर से ऑडियो टेप बंद हो जाती है क्योंकि वो बस लिप सिंकिंग कर रहे थे। फिर भी यिमिन खुश होकर सबको हक करती है। अब वो सब फाइनल ईयर में आ गए थे। जुनसिंग अपनी मॉम से बात करने आया था कि मैं बिजनेस स्कूल में नहीं जाना चाहता, प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ। मॉम हाँ कर देती है, बट फिलहाल उसके डैड से ये बात सीक्रेट रखनी होगी क्योंकि उसे प्रोग्रामिंग करे हुए काफी टाइम हो गया, तो इसलिए उसका फ्यूचर रिस्क में है। पर फिर भी वो खुश होकर लिंजी को आइसक्रीम खिलाता है। काय लिंजी को टूर्नामेंट के लिए इन्वाइट करता है पर वो पीछे था, तो लिंजी उसे सपोर्ट करती है और वो फर्स्ट आ जाता है, तो उसके साथ सेल्फी ले लेता है। इनफैक्ट वो 6 महीनों के लिए ट्रेनिंग पे जाने वाला था और अपना गोल्ड मेडल देके कहता है मैं तुम्हारे लिए एक और गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। जुनसिंग प्रोग्रामिंग क्लास लेने गया था पर सर मना कर देते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाया था, इसलिए सैड था पर हिम्मत नहीं हारता, तो लिंजी उसे ऑल द बेस्ट करती है। अब तो जुनसिंग दिन रात प्रोग्रामिंग पढ़ने में लग जाता है जिसकी वजह से वो क्लास में भी सोता रहता है, यहाँ तक कि लंच में भी। एंग उसे कॉफी देता है पर फिर भी सो रहा था।
तो सारे फ्रेंड्स सर को मनाने का प्लान बनाते हैं। जून सिंह सर से चांस मांगने आया था क्योंकि लूची के हार्ट ट्रांसप्लांट की वजह से उसे उस टाइम क्लास छोड़नी पड़ी थी, पर सर फिर भी मना करके जाने लगे थे तो वो सब उन्हें घेर लेते हैं। सर गुस्से में, बट वो डेस्क और चेयर भी ले आए थे तो सर को उसे क्वेश्चन देने पड़ते हैं। फिर क्या, मेंस टॉयलेट में ही जून सिंह का टेस्ट होता है। सर कहते हैं मैं इस बारे में सोचूंगा, तो सब थोड़ा खुश होते हैं। इधर काय ट्रेनिंग में जाने से पहले लिंसी का वेट कर रहा था और उसे दो प्लांट्स गिफ्ट कर देता है, तो फोन करने को बोलकर चला जाता है। जून सिंह सैड था। यिमिन और रैंक स्कूल में अपनी शॉप के पैम्पलेट्स बांट रहे थे, बट मैं सर को पता चल जाता है उन दोनों को बहुत सारे स्नैक्स का ऑर्डर आया था। वो कस्टमर के पास आते हैं बट वहां से मैसर निकलते हैं, तो भागते भागते ही जून सिंह और लिंसी को भी स्नैक्स पकड़ा देते हैं। गार्ड्स उन दोनों के पीछे पड़ जाता है, वो थक गए थे पर फिर भी भाग रहे थे। मैसर इन दोनों के पीछे थे तो वो सारे स्टूडेंट्स में स्नैक्स उड़ा देते हैं और स्नैक्स खाते हुए पकड़े जाते हैं। सर उन्हें डीमेरिट देने वाले थे। यिमिन सैड होती है तो एंग कहता है यिमिन की कोई गलती नहीं, सिर्फ मुझे सजा दो, तो वो उसे देखने लगती है। जून सिंह और लिंसी छुप गए थे तो बच जाते हैं। गुनाह छुपाने के लिए वो सारे स्नैक्स ठूस लेते हैं। जून सिंह को प्रोग्रामिंग क्लास में चूज कर लिया था तो खुशी के मारे दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, बट फिर नर्वस होते हैं। अच्छे कॉलेज में जाने के लिए सब विंटर कैंप का फॉर्म भर रहे थे, पर यून लिंसी को धक्का मार देती है। जब वो रात को सेल्फ स्टडी करके आ रहे थे तब भी वो लिंसी को धक्का मार जाती है। लिंसी को लगता है स्टडी में बिजी होने की वजह से यून से ऐसा हो गया होगा। यिमिन एंग को लंच पे इनवाइट करती है तो एंग को लगा वो उसे कन्फेस करने वाली है, बट वो तो एंग को उसे मैथ्स पढ़ाने को बोल रही थी ताकि उस कॉलेज में जा सके जहाँ उसका चाइल्डहुड फ्रेंड पढ़ता है, क्योंकि उसका फ्रेंड पे थोड़ा थोड़ा क्रश है। तो जेलस एंग कहता है तो उसी से जाकर पढ़ो ना मैथ। लिंसी जून सिंह को कीबोर्ड गिफ्ट देने का बोल रही थी और यिमिन उसके क्रश के बारे में पूछने लगती है, पर पढ़ने का बोलकर यून उन्हें चुप करा देती है। जून सिंह और लिंसी टेस्ट में पास हो जाते हैं, पर यून की मॉम कंप्लेन करती है कि जून सिंह और लिंसी स्कूल में डेटिंग कर रहे हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अपना कीबोर्ड देख लिंसी कहती है मैं जून सिंह को कॉम्पिटिशन के लिए कीबोर्ड गिफ्ट देने वाली थी क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं, ऐसे तो हम टीचर्स को भी गिफ्ट देते हैं। यून उस पर चिल्ला पड़ती है तो कहती है तुम सिलेक्ट नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं हम पे दोष लगाओगी। तो यून की बोलती बंद, कीबोर्ड सही सलामत था तो वो जून सिंह को दे देती है। यिमिन चाइल्डहुड फ्रेंड के कॉलेज आने को बोल रही थी तो एंग जेलस होके उससे मुंह फुला लेता है, पर जब वो जा रही थी तो देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो एंग को ठोक डालती है। वो पूछता है तुम्हें कैसे पता चला? शी वाज लाइक मैं तो तेरी शेडो भी पहचान लूंगी। कॉलेज इंटरव्यू में लिंसी बताती है कि मेडिकल साइंस भले ही हर बार इंसान को नहीं बचा सकती पर इंसान को एक होप तो मिलती है, इसलिए मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। दोनों का इंटरव्यू अच्छा गया था तो खुश होते हैं और कॉलेज घूमते हैं, पर कॉस्ट्यूम वालों को देख उनके क्लब में घुस जाते हैं। लिंसी बड़ी टोपी पहन के बहुत उछल रही थी और फिर जून सिंह का मेकअप करने लगी थी तो वो उसे देखने लगता है। दोनों अपना कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं ताकि पकड़े न जाए, पर घोस्ट रिंग सुन डर जाते हैं। वहाँ बहुत अजीब सा खाना रखा था, वो भी खा लेते हैं। एक सीनियर उन्हें देख लेती है और पकड़े जाने पे सॉरी बोलते हैं कि हम इस क्लब को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, तो सीनियर उन्हें माफ कर देती है। लिंसी को फोन कर बताती है कि क्रश की पहले से एक गर्लफ्रेंड है। इनफैक्ट यिमिन ने जब चाइल्डहुड फ्रेंड के कॉलेज पहुँच के उसे कॉल किया था तो वो बहाना मार के फोन काट देता है ये बोलकर कि बड़ी अनोइंग लड़की है। यिमिन रो रही थी कि कोई मुझे लाइक नहीं करता। एंग कहता है मैं लाइक करता हूँ ना। वो हैरान और इसी के साथ पार्ट 5 का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।